बारे में कई जानकारियां आप लोगों को भी साझा किया, जरा मोबाइल पीछे कीजिए ना भाई, लेकिन कई ऐसी एविडेंस जो सबूत जो थे जो हम चाहते थे कि हाउस के सदन के पटल पर रखें, जिसको रखने का मौका नहीं मिला। कई बार स्पीकर साहब ने, अध्यक्ष महोदय ने हमको बोला कि अलग से पहले जब तक वो देख नहीं लेते कि तथ्य क्या है तभी आप अपनी बात रख सकते हैं। उन्होंने तथ्यों को पेशकश करने की बात कही थी, तो हम अभी अध्यक्ष महोदय भी पहुँचे नहीं हैं, अभी पहुँचे हैं, जस्ट पहुँचे हैं, इसके बाद हम जा कर के सारी रिपोर्ट्स जो हैं अध्यक्ष महोदय को हम सौंपेंगे। जो हम लोग कहते रहे कि 60% से भी ज़्यादा जो है मंत्री दागी हैं, अगर आप देखें तो ADR का रिपोर्ट है, एक जानी मानी एजेंसी है, और इसमें रिपोर्ट में अगर जाएं तो साफ लिखा है कि मिनिस्टर विद क्रिमिनल केसेस, यानी 18 मंत्री, यानी कि 64% मंत्री जो हैं हैव डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देमसेल्व्स। यानी मैंने तो बोला वो तो खुद ही डिक्लेयर कर रखे 18 मंत्री, और इंटरेस्टिंग यह है कि 18 में से जो 14 मंत्री, जो 18 मंत्री तो क्रिमिनल केसेस का घोषित कर रखे हैं, लेकिन 18 में से जो 14 मिनिस्टर्स हैं हैव डिक्लेयर्ड सीरियस क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम, यानी 50% जो मंत्री हैं उनके ऊपर गंभीर मामले दर्ज हैं, हत्या, बलात्कार, किडनैपिंग जैसे जो गंभीर मामले होते हैं क्रिमिनल केसेस, उस तरह के मामले इन सभी मंत्रियों पर जारी है। अब ये हमारे पास जो है मिनिस्टर पार्टी वाइज भी है, इस एजेंसी ने सब कुछ डिक्लेयर किया है, अगर अध्यक्ष महोदय चाहेंगे इंडिविजुअली तो सारा इंडिविजुअली भी हम लेकर के आए हैं। ये सब लोगों का अलग डेटा, अलग फिगर जो है वो अलग अलग मंत्रियों का अलग अलग डेटा जो उन्होंने डिक्लेयर किया, यानी एक बात साफ है कि हम जो आरोप जो लगाते हैं बिना तथ्यों के आधार पे नहीं लगाते। ये 64% आप देख सकते हैं, ये एक जाना माना अखबार ने भी इसको छापने का काम किया है, तो बिना तथ्यों के हम लोग नहीं बोलते। बाकी राम सूरत राय जी के बारे में अगर बात की जाए तो हम मंत्री जी को ये भी बताना चाहेंगे, अध्यक्ष महोदय को ये भी दिखाएंगे कि भाई ये स्कूल कैंपस है उनका, जिसमें राम सूरत राय जी जो हैं वो जो है संस्थापक हैं, साफ तौर पे यहाँ लिखा हुआ है। ये स्कूल के बाहर बोर्ड लगाया हुआ है, आप देखिएगा कि एक पारू के जो विधायक हैं उन्होंने बोला कि इधर मंत्री की पार्टी के विधायक ने भी कहा कि स्कूल तो उनका ही है, अपनों के निशाने पर भी मंत्री, कई बार मंत्री के साथ उस स्कूल में जा चुके हैं अशोक। तो हम बिना तथ्यों के हमने कोई चीज़ जो है हमने नहीं बोली। एक बगल में ही एक ज़मीन जो है बाईपास पे पकड़ी गई, उसमें थाना खोल लिया गया। अब सवाल है कि नवंबर से जब मंत्री का जब कैंपस जब खुला है तो वहाँ अब तक जो है थाना क्यों नहीं खुला, मंत्री की गिरफ्तारी की, मंत्री के भाई की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, और मंत्री ने झूठ क्यों सदन को गुमराह क्यों बोला, सदन को मिसगाइड किया गया। हमसे सबूत मांगा जा रहा है, काश मंत्री जी से सबूत मांगा जाता तो और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, FIR है, और भी क्या क्या जो एविडेंस है, सारी चीज़ें जो हैं हम स्पीकर को भी जा कर के अवगत कराने का काम करेंगे। ठीक सर, थैंक यू।